हमारे यहाँ विधायक हरेंद्र कल्याण जी, रामपाल कश्यप जी, महिपाल ढांडा जी, मंच पर बैठे सभी बंधु, सब जी सामने बैठे भी सब जी, सबका बोलूंगा तो समय ज्यादा लगेगा। मित्रों आज बहुत ही प्रसन्नता का ये विषय, प्रसन्नता का ये दिन है। आज के दिन पहला विषय तो ये कि स्वयं प्रधानमंत्री जी ने आकर के गुरुग्राम में अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था और वहां हरियाणा को बड़ी बड़ी सौगातें आज उन्होंने दी। सबसे बड़ा काम तो द्वारका एक्सप्रेस वे, मुझे याद है कि नितिन गडकरी जी के साथ चाय पी रहे थे, 2018 की बात है, हमने कहा गुरुग्राम का एक बाईपास कोई 200-300 करोड़ का इस पर लग जाएगा, ये जरा आप बनवा देंगे तो हमारा पैसा बचेगा, नेशनल हाईवे का लग जाएगा, टोल में पूरा कर लेना। उनको कोई बात नहीं, उन्होंने मंच से घोषणा कर, बाद में जाकर डिपार्टमेंट को कहा, उनको कहा कि ये डीपीआर बनाओ द्वारका एक्सप्रेस वे, तो उनका ये तो दिल्ली का भी कुछ पोर्शन है उसमें भी जाएगा, ये तो फिर 4 लेन नहीं 6 लेन बनेगा, 8 लेन बनेगा। फिर किसी ने कहा इसमें रेलवे लाइनें हैं, इसमें सुरंगें बनेंगी, एयरपोर्ट के अंदर से जाएगा। करते करते जब उसका बजट बढ़ना शुरू हुआ तो उनका फोन आया कि आपने क्या ये मेरे घर में एक बात डाल दी 200-300 करोड़ कह करके, और ये तो डिपार्टमेंट के लोग कह रहे कि 10,000 करोड़ का लगेगा। हमने कहा आपने कह दिया है, और जब कह दिया तो ये उठाना ही पड़ेगा, जवान की कीमत है। कहने लगा ठीक है मैं कहीं से पैसा लाऊंगा, लेकिन ये 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना के दूंगा। और आज जिसको एक वाक्य कहा था कि स्टेट ऑफ द आर्ट, ऐसा एक वो प्रोजेक्ट 8 लेन की सड़क, लंबाई भले उसकी 32 किलोमीटर है, लेकिन अगर सब लेन की लंबाई जोड़ दी जाए दोनों तरफ की, और इतने फ्लाईओवर, अंडरपास, शोर ब्रिज सब मिलाकर के 500 किलोमीटर से ज्यादा उस सड़क बनती, 9,500 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री जी जब पता लगा उनका इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, जो न केवल अपने देश का ऐसा सुंदर प्रोजेक्ट बना बल्कि दुनिया भी इसको देखेगी, स्वयं आकर के उसका उद्घाटन करने के लिए आए। आज उन्होंने हरियाणा सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा की, विकास के कामों के नाते हमारी गति पर संतोष जताया, बहुत मायनों में हमारा प्रदेश देश के अन्य प्रदेशों से आगे बढ़ गया है। हमारे यहाँ का जवान हो, किसान हो, पहलवान हो, सबका जो योगदान है वो देश और दुनिया में अपना नाम प्राप्त करता है। करनाल का अपना स्थान है, इस क्षेत्र के लोगों ने भी कम से कम हरियाणा के मानचित्र पर, शायद पहले इतना बड़ा नाम नहीं था, मानचित्र पर एक नाम पा लिया है कि करनाल क्षेत्र भी, करनाल जिला भी हरियाणा के अंदर कोई स्थान रखता है। चाहे वो प्रगति का काम हो, चाहे अन्य कार्यक्रम हो, जीटी रोड के ऊपर क्षेत्र का अपना नाम है, अंबाला का अपना नाम, पानीपत और सोनीपत का अपना नाम, इस देश की प्रगति में इस पूरी बेल्ट का बहुत बड़ा योगदान है। देश का वातावरण बदला है, इस देश के वातावरण बदलने में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सराहना शुरू किया, और न केवल सराहना शुरू किया है बल्कि आज तक मैं ये भी कहता कि भी सबकी अपनी भूमिका कुछ संदिग्ध थी, हर किसी का अपना विचार था, लेकिन तुलना सब करते हैं, और जब तुलना करके वर्षों कांग्रेस में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति मन का भाव अच्छा होने के बाद यहाँ प्रवेश करने की बात करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और ऐसे लोगों में आज श्री जीराराम जी शर्मा ने हरियाणा की मुख्य धारा में भारतीय जनता पार्टी ग्रहण की। जीराराम जी शर्मा, इनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों समर्थक ये आ रहे हैं, इसी प्रकार और अन्य नेताओं ने भी, चाहे वो कांग्रेस से आए हैं, चाहे जेजेपी से आए हैं, चाहे अन्य
स्वामी जी ने एक जन कल्याण मोर्चा बना रखा है, इनके भी पदाधिकारी साथ